हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है। बट JOAIT का भी सिलेबस लगभग जो है वो सेम है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाएं। और HPSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। सो इस क्वेश्चन पेपर में भी 170 क्वेश्चन हैं और पैटर्न बिल्कुल आपके वाला ही है कि 120 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर से आएंगे और 50 क्वेश्चन जो हैं वो अदर सब्जेक्ट्स से होंगे, जैसे GK है, जनरल अवेयरनेस का हो जाएगा, करंट अफेयर्स एक 4 या 5 क्वेश्चन हिंदी के, इंग्लिश के, और रीजनिंग के जो जनरल मैथमेटिक्स होता है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। सो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। और जो मैं आज आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, ये मैं स्टार्ट करूंगा 101 से और 170 तक जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं, तो टोटल 70 क्वेश्चंस को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 101 पे, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ कंप्यूटर इज़ एन। सो ये आपने ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी। क्लियर जी? नेक्स्ट है, इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर। जो सेकंड जनरेशन, जनरेशंस पर मैंने अलग से एक टॉपिक आपको करवाया था, तो जनरेशंस और कंप्यूटर की हिस्ट्री आपने ज़रूर पढ़नी है। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो जनरेशंस और कंप्यूटर हिस्ट्री से आपको जो है वो पूछे जाएंगे। सो आपने ध्यान रखना है कि सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे वहाँ पे स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया जाता था? दैट इज़ मैग्नेटिक कोर को जो है वो यूज़ करते थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक ड्रम जो है वो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। क्लियर? थर्ड जनरेशन में जो है वो मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे, पेपर टेप से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपने ध्यान रखना है सेकंड जनरेशन में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर को जो है वो यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूज़र कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड वर्क गुड प्रोसेसिंग पावर। सो वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जिनको सिंगल यूज़र कंप्यूटर हैं और उनके फीचर्स या प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है? तो वो आपने ध्यान रखना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो, और उनको वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? सो इस क्वेश्चन पेपर को हमने डिटेल में सॉल्व करना है और 3 पार्ट्स में मैं आपको इसको जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। जो आज हम करेंगे वो हम करेंगे लास्ट के जो 70 क्वेश्चंस हैं, फिर 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो बचे उनको हम नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको GK का भी इसको जो है वो करवा दूंगा, क्योंकि सबॉर्डिनेट के एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कई बार रिपीट हो जाते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और टॉपिक वाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो तो आपने करना ही है। आपको खुद देखेंगे आप कि जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको करवाए हैं उन टॉपिक्स में से भी इस 70 क्वेश्चंस में कम से 20 या 30 क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच। जो डिजिटल वॉच है वहाँ पे कौन टाइप के, किस टाइप के कंप्यूटर्स जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं? तो आपने ध्यान रखना है वहाँ पे एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फाइंड आउट होते हैं। विच फंक्शन कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के लिए जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर्स में, वहाँ पे कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट जो है वो मैटर करता है, या कौन सा काम कंपोनेंट जो है वो उस पर्टिकुलर काम को करता है प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग से रिलेटेड? क्लियर? सो वो आपने ध्यान रखना है वो कौन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप कि कंप्यूटर का कौन सा कार्य गठन कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। कंप्यूटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोसेसिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इन्फॉर्मेशन बिफोर इट गोज़ टू द डिकोडर। सो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज़ करते हैं? डेटा रजिस्टर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एकोमुलेटर को जो है वो प्रोसेसर यूज़ करता है। एड्रेस अगर पास करना हो तो एड्रेस रजिस्टर यूज़ किया जाता है, और कंट्रोल सिग्नल्स अगर पास करने हो तो कंट्रोल रजिस्टर जो है वो यूज़ होता है। सो आपने ध्यान रखना है इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए कौन सा रजिस्टर जो यूज़ किया जाता है? डेटा रजिस्टर को यूज़ करते हैं। हाउ मैनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम। तो सिंगल बस स्ट्रक्चर में कितने यूनिट्स जो हैं वो एक टाइम पर यूज़ किए जा सकते हैं? तो वो कितने होते हैं? 2। ये भी आप ध्यान रखें। अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन्स इज़ कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग। तो इसका आंसर जो है वो 4096 है, और इसका आंसर जो है वो 4096 कहाँ से आया है उसके लिए आपने क्या करना है? 2 की पावर
वन ओवर सॉरी 2 की पावर 12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 को 12 बार आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4096। तो यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि 10 एड्रेस लाइंस हैं, तो वहाँ पे कितनी लोकेशन जो है वो हो सकती हैं, तो उसका आंसर जो है वो 2 की पावर 10 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, दैट इज़ द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेज भी होते हैं और आउटपुट डिवाइसेज भी होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से अगर आपने कम्युनिकेट करना है, तो आपको पहले इनपुट एंटर करनी पड़ती है, और रिजल्ट कैसे दिखता है आपको आउटपुट डिवाइस से। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस इज़ नोन एज। माउस बेसिकली क्या है, तो माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी पर्टिकुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को या कहीं पे क्लिक करना है, तो वो सारा काम किससे किया जाता है, माउस से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आपका लाइट पेन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। ध्यान रखेंगे, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन है, और इस टॉपिक को जो है वो हम लोग नोट्स में कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर। स्कैनर से जो है वो कौन सी टर्म रिलेट करती है, कार्ट्रेज। देखिए, कार्ट्रेज प्रिंटर में डाली जाती है। मीडिया का कुछ और काम होता है, मीडिया होता है जैसे ये हमारी इमेजेस या वीडियो या ऑडियो, ये सारा मीडिया में आता है, तो उसका स्कैनर से कोई लेना देना नहीं है। तो स्कैनर से किस चीज़ का लेना देना होता है, लेज़र का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार कोड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन यूजिंग। सो बार कोड होते हैं, जैसे जब हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट पे बार कोड्स लिखे होते हैं, तो वो आप ध्यान से देखें, थिक लाइंस होती हैं बेसिकली। कुछ गाढ़ी लाइंस होती हैं और कुछ फीकी लाइंस होती हैं, उसमें कोड जो है वो जनरली लिखा होता है। सो इसको क्या बोलते हैं, बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन। क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। तो आपने ध्यान रखना है, डेजी व्हील जो है वो ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रिंटर पे मैं अलग से एक लेक्चर या टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा प्रिंटर को। क्लियर। 2 कैटेगरी के प्रिंटर्स होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और प्रिंटर से आप लेके चलना, एक क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इसको हम अलग से टॉपिक में कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमरी। बिल्ट इन मेमरी जो है वो कौन सी होती है, तो रोम जो है वो बिल्ट इन मेमरी है। ऑक्सिलरी मेमरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमरी। जो मेमरी से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक करवाया था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो मैं करवा चुका हूँ, तो आपने ध्यान रखना इन चीज़ों का। क्लियर। ऑक्सिलरी मेमरी को ही हम सेकेंडरी मेमरी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है, तो CD और DVD जो है वो ऑप्टिकल डिस्क में कंसिडर की जाती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सी, दैट इज डिजिटल वीडियो, सॉरी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पहले जब DVD नई नई आई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती थी डिजिटल वीडियो डिस्क। क्लियर। बट आज की डेट में इसको जो बोलते हैं, दैट इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल इसलिए क्योंकि अब आप इसमें जो है वो किसी भी टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। आप इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, आप वीडियो स्टोर कर सकते हैं, आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए वर्सेटाइल बोला जाता है। अलग अलग कैटेगरी का काम जो है वो आप DVD में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन। ये भी आपने ध्यान रखना है। द मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉज इनकोरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड। ऐसे एरर्स जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बट इनकोरेक्ट रिजल्ट होता है, मतलब जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। क्लियर। तो इसका आंसर जो है वो ए है। बाकी ये होते हैं जैसे सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर कब होगा कि आपने कहीं पे किसी चीज़ को गलत लिखा है, क्लियर, तो वो सिंटैक्स एरर होता है। ध्यान रखना, सिंटैक्स एरर के साथ आउटपुट नहीं आती है, लॉजिकल एरर के साथ आउटपुट जो है वो आती है। अभी इस क्वेश्चन में यही चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पे कि रिजल्ट आ रहा है बट इनकोरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि रिजल्ट आ रहा है बट इनकोरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका आंसर है लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर क्या होता है कि कहीं भी हमें डिवाइड करना था तो हमने बाई मिस्टेक वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं पे प्लस करना था हमने बाई मिस्टेक माइनस कर दिया, आंसर आएगा बट जैसा आंसर हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड वो आंसर वहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू अकम्प्लिश। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरी के हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ किए जाते हैं, हार्डवेयर को रन करने के लिए, और जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किए
क्यों किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करने के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा, रियल वर्ल्ड टास्क। जैसे ब्राउज़र है, ब्राउज़र का क्या काम होता है, इंटरनेट को यूज़ करना या इंटरनेट को एक्सेस करना। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र हम इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र नहीं है तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। और बाई डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से डला होता है, बाकी आप गूगल क्रोम या फिर आप दूसरे जितने भी मोजिला फायरफॉक्स है, जितने भी दूसरे ब्राउज़र्स हैं, वो आप नेट से इंटरनेट से डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपने ध्यान रखना है विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ब्राउज़र होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेल है, वो है कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है या वर्कशीट भी बोला जाता है। क्लियर, सो हर सॉफ्टवेयर का एक अपना अपना काम होता है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं, रियल वर्ल्ड टास्क को सॉल्व करने के लिए। सो 121 का आंसर जो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कौन नहीं, तो एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एम एस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्रोबेट के साथ हम PDF फाइल्स को रीड करते हैं, तो टर्बो सी कंपाइलर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो सी में हम जो कोडिंग करते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट कंप्यूटर भी बाइनरी लैंग्वेज की हेल्प से जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको समझे। क्लियर, नेक्स्ट है 123, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज ऑल्सो रेफर्ड एज। मशीन लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं, तो मशीन लैंग्वेज को ध्यान रखना है आपने, मशीन कोड भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है, ठीक है, और बाइनरी कोड भी बोला जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ और आर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये तीनों ही जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में या मशीन कोड में, इंटरप्रेटर जो है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में या मशीन कोड में। क्लियर, बट डिफरेंस ध्यान रखना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर जो है वो सारे प्रोग्राम को इकट्ठा ही कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन वाइज लाइन करता है, इसलिए कंपाइलर जो है वो फास्ट होता है और इंटरप्रेटर जो है वो स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होगा। कर्नल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। यूज़र इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो चीज़ें हमें दिखती हैं कहीं पर हम क्लिक कर रहे हैं तो वो सारा क्या है, यूज़र इंटरफेस। यहाँ से कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डिवाइस ड्राइवर जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, सो इसका आंसर जो है वो क्या होगा आपका, none of these. Next question is टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव। जो बूट क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के, जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं इसका मतलब जो है वो कंप्यूटर बूट हो रहा है। क्लियर, ये टॉपिक भी मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है। बूटिंग दो कैटेगरी की मैंने आपको बताई थी वहाँ पे, कोल्ड बूटिंग एंड हॉट बूटिंग, तो आपने ध्यान रखना है। सो जब भी आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जो है वो ज़रूरी होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। डॉस की एक्सटर्नल कमांड कौन सी हैं, तो डॉस की मैं कमांड्स के ऊपर एक अलग से लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दो टाइप की डॉस की कमांड होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर, सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल कमांड है वो है फॉर्मेट कमांड, जो है वो एक्सटर्नल कमांड है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। इस पर जो है वो एक टाइम पर एक ही बंदा जो है वो काम कर सकता है। क्लियर, नेक्स्ट है इन एमएस विंडोज़ हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हेल्प मेन्यू जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। इसका आंसर जो बी है, दैट इज स्टार्ट। क्लियर, इसको अगर आपने चेक भी करना हो तो आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए हेल्प सपोर्ट यहाँ पे है। क्लियर, तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, बी, दैट इज़ स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर। इंटरलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, तो वो हमें बोला जाता है डेटाबेस। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डेटाबेस। इंटरलेटेड फाइल्स मतलब मल्टीपल फाइल्स हैं, एक जैसी फाइल्स हैं, उनको जब आप एक जगह पे रखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली डेटाबेस जो है वो उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, दैट इज़
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन एम एस विंडोज इज़ यूज फॉर पेस्ट। एम एस विंडोज़ में ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम में इंसर्ट करने के लिए या पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड जो वो यूज़ की जाती है। तो आप ध्यान रखना कि पेस्ट के लिए हम कंट्रोल वी यूज़ करते हैं, बट वो यूज़ करते हैं हम एम एस वर्ड में। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एम एस विंडोज़ में, एम एस विंडोज़ में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ रहे हैं ये, क्लियर। तो आप ध्यान रखें शिफ्ट इंसर्ट जो वो पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर दैट पर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन एम एस वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डेयर टू डेयर। तो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा एम एस वर्ड का फीचर यूज़ किया जाता है, स्पेल चेकर। और स्पेल चेकर को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट कमांड है वो कौन सी होती है, F7, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड इज़ परफॉर्म्ड ऑन। एम एस वर्ड में हम जो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो कहाँ कहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है वो हम कर सकते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हम टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, सी, क्लियर। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट और एम एस 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 जो एम एस ऑफिस का पैकेज है उसके ऊपर हम लेक्चर जो वो अलग से करेंगे, क्योंकि कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन जो है वो आपको एम एस वर्ड, एक्सेल या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी जो है वो आपको आ सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब आप जे ओ आई टी सेलेक्ट होकर कहीं ऑफिस में जाते हैं तो मैक्सिमम आपको काम जो है वो एम एस ऑफिस में ही करना पड़ता है, और दो कॉम्पोनेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, कौन कौन से, एक एम एस वर्ड और एक एम एस एक्सेल। तो हो सकता है या वो क्वेश्चंस ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल से है। तो दिसंबर के मंथ में हम जितना भी प्रीवियस आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है उस सारे को कवर कर लेंगे, और जनवरी में हमने जो है वो सिर्फ एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट और एम एस 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 को ही कंप्लीट करना है, क्लियर जी। सो 132 का आंसर जो वो क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज़ इनवैलिड इन एम एस वर्ड। तो ट्रिपल जो है वो इनवैलिड है, ट्रिपल जो लाइन स्पेसिंग है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सारे फॉर्मेट्स जो वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि जो डेटा हमारा प्रेजेंट होता है रोज एंड कॉलम में तो उसको हम एक्सेल में क्या बोलते हैं, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, आपने ध्यान रखना है उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, या यहाँ पे इसको वर्कशीट भी बोला जाता है, क्लियर। वर्कबुक जो होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन एम एस एक्सेल। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी। ये सारी जितने भी फीचर्स लिखे हैं, कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट, सिनेरियोज, ये सारे जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटन जो है वो कहाँ पे फाइंड किया जाता है, तो ये फॉर्मूला टैब में आपको मिलेगा। एक्सेल जब आप ओपन करके देखेंगे तो ऑटो सम में कुछ बाई डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे सम है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, ये सारी चीज़ें जो वो आपको मिलेंगी वहाँ पे। शॉर्टकट्स हैं, कैलकुलेशन बेस्ड शॉर्टकट्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो सम, और कहाँ पे होता है, फॉर्मूला टैब में। एक्सेल और एमएस वर्ड हम अच्छे से करेंगे बट जनवरी के मंथ में करेंगे, तब तक हमने प्रीवियस जितना भी कंटेंट है उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137 में क्वेश्चन है बाई विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल। मतलब एक्सेल अगर आपने ओपन किया है और एक्सेल उस फाइल से ही आप किसी दूसरी फाइल में जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंपोनेंट जो है वो यूज़ किया जाता है या कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो हाइपरलिंक जो है उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्सेल में जो आप किसी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर रहे हैं या फिर आपने क्लिक किया है तो उस सेल को क्या बोला जाता है, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, करंट सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन टू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। सबसे छोटी यूनिट एक्सेल की क्या होती है, सेल। जो छोटा एक्सेल क्या है, बेसिकली एक्सेल में होती हैं वर्कबुक, और वर्कबुक में क्या है, वर्कशीट, और वर्कशीट में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, क्लियर। और सेल्स कैसे रिप्रेजेंट किए होते हैं, रोज़ और कॉलम में। यहाँ पे हम जब एक्सेल को कवर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम जो है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, अगर आप 2003 यूज़ कर रहे हैं तो, और 2007 यूज़ कर रहे हैं तो। और एक्सटेंशंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि हर फाइल का एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है। 2003 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन क्या है, और अगर 2007 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन जो है वो क्या है, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच इज़ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस होते हैं, इक्वल टू के साथ स्टार्ट होते हैं और ऐसे करके हम लिखते हैं फॉर्मूला वार में। जैसे ही हम जाएंगे सो वहाँ पे हम इक्वल टू लिखते हैं और सम लिखेंगे, और यहाँ पे हमने सेल्स की जो है वो लोकेशन देनी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो हमें सम करना है। जैसे मान लीजिए A1 से लेकर
E1 तक हम जो है वो सम करना चाहते हैं, तो वो लोकेशन या वो सेल एड्रेस या रेंज जैसे बोलते हैं, बेसिकली इट इज़ सेल रेंज A1 से लेकर E1 तक, क्लियर। सो ये सारा काम जो है वो फंक्शंस की हेल्प के साथ किया जाता है। तो लाखों हजारों जो है वो यहाँ पे फंक्शंस प्रेजेंट हैं एक्सेल में, सिर्फ आपको उनको यूज़ करना और उनका नाम पता होना चाहिए। जैसे सम है तो SUM ही, इसकी जगह पे आप इक्वल टू ADD यूज़ नहीं कर सकते हैं। फंक्शन का प्रॉपर नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए, क्लियर। इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, आपने सिर्फ उनको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है स्लाइड इज़ अ फीचर ऑफ, ये सबको पता है पावर पॉइंट का फीचर है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक अ स्लाइड शो, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच कमांड शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विट पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट को क्विट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Alt F4, ठीक है। ये 1600 क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्क्रीन जब आपने कंप्यूटर पे ओपन करके रखी है तो उसको क्रॉस करने के लिए Alt+F4 ही प्रेस किया जाता है, क्लियर। तो ज़रूरी नहीं है कि Alt+F4 जो है वो सिर्फ पावर पॉइंट के साथ ही काम करता है, ये हर किसी के साथ काम करता है। नेक्स्ट है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, आपने स्लाइड शो अगर स्टार्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, F5, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल्स इन डेटाबेस, ये क्वेश्चन आ गया आपका MS Office से ही है, बट MS Office में कौन सा टूल है, कौन सा कॉम्पोनेंट है, MS Access, क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। आप डिज़ाइन व्यू से भी टेबल एंटर कर सकते हैं, आप टेबल विजार्ड से भी और डेटा शीट व्यू से भी आप जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, क्लियर। सो अगर डेटाबेस बनाना हो तो हम MS Access का यूज़ करते हैं, और डेटाबेस क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। नेक्स्ट है द फीचर दैट द डेटाबेस अलाउ टू असेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, आपके पास डेटाबेस में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को अगर आपने सर्च करना हो तो फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास क्या है, क्वेरी है। हम क्वेरी डिज़ाइन करके जो है वो ये काम कर लेते हैं। तो क्वेरीज क्या होती हैं, SQL, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो तीन टाइप में डिवाइड की होती है। सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और लास्ट में क्या आता है आपके पास, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कमांड्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। जब आप क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को तो वो कमांड्स यहाँ पे होती हैं, और मैनिपुलेट करने के लिए किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है, कुछ रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट करने हैं, फॉर दैट पर्पज़ DML जो है वो यूज़ किया जाता है। इस पर भी हम जो है वो एक लेक्चर अलग से करेंगे, तब मैं आपको ये डिटेल में कवर करूँगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डेटा इन डेटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा कहाँ पे जो है वो स्टोर किया जाता है, किस मॉडल में स्टोर किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में इसको हम स्टोर करते हैं। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेबल इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र, डेटाबेस में जो लेबल्स बनाए जाते हैं वो टोटल 3 लेबल्स होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल लेबल, फिर यहाँ पे आता है कंसेप्चुअल लेबल जिसको हम लॉजिकल लेबल भी बोलते हैं, और लास्ट में आता है फिजिकल लेबल जिसको हम इंटरनल लेबल भी बोलते हैं, क्लियर। सो यूज़र जो है वो कहाँ पे इंटरेक्ट करता है, अगर हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं किसी वेबसाइट को, मान लीजिए हम SBI की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनका एक्सटर्नल व्यू जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे असेस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे असेस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो SBI के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होंगे वो इसको यूज़ करेंगे, और फिजिकल और जो लास्ट वाला आपका इंटरनल लेयर है वहाँ पे डेटा एक्चुअली में प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप एक्सटर्नल व्यू जो है वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। सो यूज एज ए यूज़र आप हमेशा कहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल व्यू में। सो 149 का आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट है द सेपरेशन ऑफ डेटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नोन एज, तो इसका आंसर होता है डेटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ SQL लैंग्वेज इज़ यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस, ये मैंने अभी आपको बताया कि SQL को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज़ में। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वो DCL होता है, डैट इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पे कमांड्स अलग होती हैं, DML में कमांड्स जो हैं वो अलग होती हैं। सो SQL पे जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वहाँ पे इनको हम डिटेल से जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड, एक कंप्लीट रो को या फिर एक कंप्लीट रिकॉर्ड को
क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे DBMS में उस चीज़ को क्या बोलते हैं, टप्पल, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ असेस विच यूज्ड की ट्रांसफॉर्मेशन। की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है, हैश, और सबसे फास्ट असेस करने के लिए हैश टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे की यूज़ की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है आपके पास, जैसे 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके कुछ नंबर है, 3 कर दिया, ठीक है। तो जनरली करते क्या है कि जैसे इवन या ऑड पोजीशंस पे जो नंबर होंगे उनको कैरी करेंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, सो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल नंबर्स हम बड़े नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, हैश। और कीज़ डिफाइन की जाती हैं, तो वो अपनी मर्जी से आप डिफाइन कर सकते हैं। सो वो जो 153 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज टू ऐड, ये पेज शायद रिपीट ही हो गया पूरा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और वहाँ पे आएंगे क्वेश्चन। जैसे ये आया, इफ़ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर टू यूज़, क्लियर। सो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सर्वर, जो अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करता है, और जो सर्विसेज लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। सो बेसिकली सर्वर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है सर्वर भी क्या होता है, कंप्यूटर है, बट इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर्स, और इसकी स्पीड भी जो है वो ज़्यादा है। अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं तो ये कॉस्टली भी होता है। तो एक सर्वर अगर आपने परचेज़ करना हो तो कम से कम वो 2.5-3 लाख का आता है, हालांकि एक नॉर्मल कंप्यूटर जो 20-25 हज़ार का प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 165, दैट इज़ मैन। तो मैन क्या है, नेटवर्क की टाइप है, तीन टाइप होती हैं, लैन, मैन एंड वैन। जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लैन है, देन मैन है, देन और वाइड एरिया नेटवर्क लास्ट में, जिसको हम वैन बोलते हैं, जिसको इंटरनेट भी बोला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 166, दैट इज़ CSMACD। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है टर्म, ये इस टर्म को यूज़ करते हैं स्टार टोपोलॉजी में, और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको नोट्स में करवाई है, दैट इज़ कैरियर सेंस मल्टीपल असेस कोलिजन डिटेक्ट। ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म होती है, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड असेस। तो इसका आंसर जो है वो गेटवे है, ये आपने ध्यान रखना है। ईथरनेट क्या होता है, लैन को ही हम ईथरनेट बोलते हैं। हब जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हब 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 को जो है वो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। रूटर्स को यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग डिवाइस के लिए, और जो रूट डिसाइड करता है रूटर को कौन सी लेयर में यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर में। तो ध्यान रखना है रूटर को कौन सी लेयर में यूज़ किया जाता है, नेटवर्क लेयर में, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इसका आंसर जो है वो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इस टर्म का आंसर होता है मॉडम। मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जिसको मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं और डी मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, मॉडम। नेक्स्ट इज वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI। OSI मॉडल में ब्रिज को जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है ब्रिज और स्विच जो है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, डेटा लिंक लेयर में, और जो आपके पास हब और रिपीटर है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, फिजिकल लेयर में, क्लियर। सो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज IP एड्रेस कैन बी रिटन इन। IP एड्रेस का टॉपिक जो है वो मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है, कौन सी इसकी क्लासेस होती हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन जो है वो IP एड्रेस से आपको पूछे जाएंगे। सो इसका आंसर जो है वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट्स, हर ऑक्टेट में आप 8 बिट्स की हेल्प से एड्रेस को जो है वो मैंशन करते हैं, हालांकि हम डेसीमल फॉर्म में एंटर करते हैं। ध्यान रखना है 0 से 255 के बीच में IP एड्रेस पे नंबर्स लिखे जाते हैं, इसके बाहर का कोई भी नंबर जो है वो आपने नहीं लिखना होता है। दूसरी चीज़, IP एड्रेस जो दो टाइप के होते हैं, एक लॉजिकल IP एड्रेस जो 32 बिट का होता है, और एक फिजिकल IP एड्रेस जिसको हम MAC एड्रेस भी बोलते हैं, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा कंप्यूटर को साइन किया जाता है, और वो कितने बिट का होता है, 48 बिट का, क्लियर। सो टोटल ये 70 क्वेश्चन जो है वो आज हमने डिस्कस किए हैं, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन आप इनको तैयार करो, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।